झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नीति आयोग के सदस्यों और राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। घंटों चली इस बैठक में राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। मामले की जानकारी देते हुए नीति आयोग के सदस्य विनोद पाल ने बताया कि नीति आयोग की तरफ से टीम झारखंड में आई है। हमें बहुत आभार है झारखंड सरकार का। मुख्यमंत्री के साथ लंबी बातचीत हुई और इसमें चहुंमुखी विकास को लेकर भागीदारी की बात सामने आई। नीति आयोग की तरफ से टीम आज झारखंड में आई, रांची में आई। हमें बहुत आभार है झारखंड सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने समीक्षा करी, उनके साथ बैठे, लंबी बातचीत हुई और इसमें विकास की बात, चहुंमुखी विकास की बात को आगे लेके आए। नीति आयोग का मैंडेट है, ऑब्जेक्टिव है कि राज्यों के साथ मिलके काम करें और देश में इकट्ठे होकर टीम इंडिया बन के देश का विकास हो। और देश का विकास का तात्पर्य है कि राज्यों का विकास हो, देश का विकास हो। उसके ऊपर ये रेगुलर मीटिंग्स का सिलसिला है, उसी में आज हम आए और हम आभारी हैं निमंत्रण के लिए। और उसमें जो बातें करी हैं उसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स की बात करी है। और स्पेशली अब नीति आयोग की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक स्टेट सपोर्ट मिशन SSM मिशन लागू हो रहा है, जिसमें कि जो बिंदु हैं कि राज्यों को अपनी फ्यूचर की विजन बनाना, सोच बनाना, ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, इस सब को सोचने के लिए, प्लान करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कैसे एक सिस्टम बने कि वो नीति आयोग के साथ मिलके, बाकी एकेडमिक्स के साथ मिलके अपने अपने राज्य के विकास का ऐसा एनविजन किया जाए, मॉनिटर किया जाए, पॉलिसी पाथवेज करे जाएं। तो ये एक स्टेट सपोर्ट मिशन नीति। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बैठक को मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य के लगभग सभी विभागों के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की। जिस राज्य से देश चलता है, किस राज्य से भारत सरकार को सबसे अधिक आमदनी होती है, वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं संसाधनों की जरूरत है। संसाधन जुटाने को लेकर साथ में शक्तियां केंद्र के पास हैं। आज नीति आयोग के सदस्यों से, उनके अफसरों से लंबी वार्ता हुई। राज्य के लगभग सभी विभागों के संदर्भ में उन्होंने चर्चाएं की, बाकी चीज़ें आपकी तरफ से आपको उपलब्ध होगा, लेकिन मोटा मोटे तौर पर हमने जो बाकी अपनी बातें रखी है कि जिस राज्य से देश चलता है, जिस राज्य से भारत सरकार को सबसे अधिक आमदनी होती है, वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं संसाधनों की आवश्यकता है और संसाधन जुटाने को लेकर के सारी शक्तियाँ लगभग केंद्र सरकार के पास। हमने जो अधिकार है वो कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, अब तो केंद्र सरकार ही तय करता है, लेकिन फिर भी हम अपने हक की बात जरूर उनके समक्ष रखे। और जो कुछ केंद्र सरकार देती है उनमें भी राज्य सरकारों को विश्वास में ना लेकर के कार्य होता है तो इसका क्या बुरा परिणाम होता है। जैसे कोयला कंपनी के द्वारा हमारा लाखों करोड़ों रुपए का बकाया, वो हमें नहीं मिलता है,
केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सभी को हम आवाज़ देंगे, लेकिन अभी भी हमारे 8.5 लाख लोगों का जिनका सर्वे करके रिपोर्ट दिया हुआ है वो भी आवंटन नहीं हो रहा, उसके हिस्से का जो हमें वित्त सहायता चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहा है, जिससे हम राज्य के गरीबों का आवास आवंटन नहीं कर पा रहे, आवास उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी गरीबों को अनाज देना सरकार का दायित्व है, और चूंकि झारखंड राज्य का सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक है, जहां गरीब मजदूर तबके के लोग ज्यादा वास करते हैं। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने अपनी पूरी बातें नीति आयोग के समक्ष रखी हैं और लिखित रूप से भी नीति आयोग के समक्ष उपलब्ध कराई हैं। राज्य से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।